हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग के साथ। दोस्तों, आज हम आपके साथ हमारे एक यूजर है, व्यूअर है, मिस्टर अनमोल, उनकी प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इनके पास एक डेटा है, डेटा में एक आईडी या जीएसटी नंबर, कुछ ऐसा नंबर है मान लीजिए। अब इसका डेटा लुकअप करना चाहते हैं, यहाँ पे जो वन करते हैं डेटा आ जाए, तो आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें आप वी लुकअप लगाइए और वी लुकअप में मैच इंडेक्स लगा दी, मैच लगा दीजिए, सॉरी मैच इंडेक्स नहीं, मैच लगा दीजिए। हमने यहाँ पे मैच लगा दिया यू वन, और फिर डेटा में यहाँ पे आते हैं और हमने सेलेक्ट किया कॉमा जीरो, और हमने यहाँ भी कॉमा जीरो कर दिया वी लुकअप में, एंटर प्रेस कर दिया। तो ये वी लुकअप में मैच लगा दिया ताकि हेडिंग्स हो, और हमने इसको ए से एन तक फ्रीज कर दिया। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूं कैसे हो सकता है, प्रॉब्लम ये नहीं है, उनका प्रॉब्लम कुछ और है, लेकिन सिमिलर ऐसा है। तो हमने इस तरह से कर दिया। अब इसमें एनए के जगह पे हम इफ एरर लगा के इसको ब्लैंक कर सकते हैं, और यहाँ पे हम टू करेंगे, थ्री करेंगे, फोर करेंगे, तो डेटा इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, आप देख पा रहे हैं आ रहा है, बट यहाँ फॉर्मूला खत्म। अब मैं यहाँ नंबर डालूंगा तो नहीं आएगा। अब उनका एक कहना है कि मैं वी लुकअप का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता, वीवीए में कुछ ऐसा इवेंट हो जाए कि मैं कॉलन ए में जो भी आईडी डालू वो आईडी ऑटोमेटिकली उसे यहां पे पूरा का पूरा डेटा मुझे दे। अब ये प्रॉब्लम है क्योंकि वी लुकअप तो मुझे लग रहा है कि जो एक्सेल यूज करते हैं उसे 60% से अधिक लोगों को पता होता है, बट वी लुकअप फॉर्मूला को हम बैकएंड में मैंने के लगाना चाहते हैं वीवीए के थ्रू, और यहां पे कोई फॉर्मूला ना रहे लेकिन फिर भी डेटा मेरा लुकअप हो। तो बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है, एंड तक देखिएगा। और आप लोगों को समझ में नहीं आए तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाला हुआ है। और साथ में आपको पूरी सीरीज वाली वीडियो चाहिए तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ताकि अगली वीडियो जो आपको मिल जाएगा, वरना ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए हम डेवलपर में जाते हैं, विजुअल बेसिक, या फिर हम डायरेक्ट यहां भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे इवेंट लगाना है। तो राइट क्लिक व्यू कोड, व्यू कोड में हमने यहाँ पे वर्कशीट और यहाँ पे हमने कर दिया चेंज, क्योंकि हम टाइप करेंगे तो चेंज होगा, तो चेंज पे हम लगाएंगे। तो क्या लगाना है, सबसे पहले तो हमें टारगेट का कॉलन वन होना चाहिए, मतलब कि हम एक कॉलम में ही टाइप करेंगे। तो यहां पे कंडीशन देते हैं कि इफ टारगेट, अब टारगेट क्या है, जहां पे हम लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे, यहां पे बाय डिफॉल्ट देखिए टारगेट एज ए रेंज है, तो टारगेट डॉट कॉलन इक्वल टू वन दैट, और यहां पे हम कर देंगे एंड इफ। लेकिन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमें यहां पे एक चीज और करनी है जो कि बहुत जरूरी है इवेंट में, जब चेंज यूज करते हैं तो एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट इवेंट्स इक्वल टू फॉल्स, ये बहुत ही जरूरत की चीज है, ये करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा कि माइक्रो रुकेगा नहीं, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है बी B1, तो यहां पे यहां पे हम देंगे टारगेट डॉट, टारगेट डॉट ऑफसेट 0 रो 1 कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कौन सा है, तो टारगेट डॉट वैल्यू, टारगेट डॉट वैल्यू, और लुकअप कहां करना है, तो शीट्स डेटा के अंदर रेंज ए से
एच कर लेते हैं, जेड कर दीजिए, एक रेंज दे दीजिए बड़ा सा, देख लीजिए रेंज क्या है। और यहां पे कॉमा, मुझे दूसरे नंबर का डेटा चाहिए कॉमा जीरो, हमने ब्रैकेट क्लोज कर। अब इसमें मैच नहीं लगाया, हम बात करेंगे इस पे भी। अब इसी को हम नीचे की तरफ पेस्ट करते जाएंगे, तो ये आपका वन हो जाता है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, एन तक है, या जेड को एन भी कर सकते हैं, थर्टीन तक। तो टू आ गया, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, यहां पे टेन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, और यहां भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और थर्टीन, हमने इवेंट कर दिया सिंपल सा। और फिर इसको यहां से हम एंड इफ को हटा देते हैं और यहां पे कर देते हैं हम एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट्स, अनेबल इवेंट्स इक्वल टू ट्रू, ये करना जरूरी है, हमने कोड कर दिया। अब करने के बाद मैं यहां पे वन लिख के एंटर मारता हूं, आ गया, टू लिख के एंटर मारता हूं, आ गया, थ्री लिख के एंटर मारता हूं, फोर लिख के एंटर मारता हूं, फाइव लिख के एंटर मारता हूं, सिक्स लिख के एंटर मारता हूं, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि हमारा हो गया। अब बोला ये सर इसमें मैच का, तो जहां पे हमने नंबर लगाया ना इस पे मैच का, लेकिन ये एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन इतना लंबा लिखना पड़ेगा, तो आप इसको एक वेरिएबल पे असाइन करके कर सकते हैं। अब क्या है सर, एक ही वीडियो में सारी चीज सिखाना पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो आप लोगों को वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग पूरी तरह से सीखनी है तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, डेमो क्लास का फॉर्म भरें और ज्वाइन करें। अगर आप मेरे साथ रिकॉर्डेड क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। तो मिलते हैं अगली वीडियोज में, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो किसी स्क्रॉल करते समय किसी तुक्के से